यहाँ पे एनएससीसी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से 45 एशियन कंट्रीज में प्रक्षेप एरियल जिसका प्रक्षेपण हो रहा है। तो यहाँ अनुराग भदौरिया सर जो यूपी के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अभी जो अखिलेश यादव सर ने जो बहुत ही बढ़िया काम स्पोर्ट्स में किया है, छोटे छोटे प्लेयर्स को भी कारें दिए हैं उन्होंने, तो उसके हिसाब से हम उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। नमस्ते जी सर। धन्यवाद। हाँ सर, इतना दूर आप ये हॉकी जो यानी कि बहुत ही अपना स्वर्ण काल है जो हॉकी में, तो उसके हिसाब से आप क्या कहेंगे? इतना बड़ा टूर्नामेंट यहाँ है, तो उसके हिसाब से क्या आप बोलेंगे? मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के ऑर्गेनाइजर को जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया और हॉकी का राष्ट्रीय टूर्नामेंट कराया, क्योंकि यूपी की टीम फाइनल में थी, यूपी के बच्चे खेल रहे थे। हालांकि पूरे देश में जब स्पोर्ट्स की बात होती है तो आपको पता ही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत स्पोर्ट्स के लिए जागरूक रहते हैं, स्पोर्ट्स को सपोर्ट देते हैं, और मुझे भी आदेश मिला कि आप जाइए, यूपी की टीम वहाँ खेल रही है, उसका प्रोत्साहन कीजिए। और मैं आया, मैंने देखी टीम अच्छा खेली, कोई हारता है कोई जीतता है, हार जीत तो लगी रहती है कि आज हम जीते कल वो हारेंगे, कल वो हारे आज हम जीतेंगे, ये तो चलता रहता है। लेकिन स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे कि अभी अभी जैसे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, स्पोर्ट्स हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हमारे शारीरिक जो हम परिश्रम करते हैं उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस वजह से स्पोर्ट्स वैसे भी खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स स्प्रिट होना बहुत जरूरी है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं वो कम से कम आत्मा और अंदर से स्वास्थ्य के होते हैं। सर जी, आप पहले ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जो नेशनल जो अपने स्टेट की टीम के प्रमोशन और मोटिवेशन के लिए यहाँ आए, तो आपके टीम का जो ये हो गया तो उस जितना अच्छा उसका यहाँ एक्टिविटी हो गया, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? इतने फाइनल तक पहुँचे हैं तो उसके बारे में आप जो अच्छा खेलता है वो जीतता है, और जो टीम अच्छा खेली वो जीती है, बेशक अच्छा खेली है, और जो टीम हारी है वो भी अच्छा खेली है। मैंने पहले ही बोला आपको, हार जीत तो लगी रहती है, कभी किसी का दिन होता है, कभी किसी का दिन होता है, स्पोर्ट्स में हार जीत कोई मतलब नहीं रखती है, बट स्पोर्ट्स अगर मन से दिल से खेला गया हो और सबने उसकी सराहना की हो वो ज़्यादा जरूरी है। सर, आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, तो स्पोर्ट्स को हर किसी स्टेट में उनका पैसा अलॉटमेंट कम रहता है, तो स्पोर्ट्स हेल्थ के साथ जुड़वा दिया तो बहुत ही उनको इनकम सोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, अभी भी आपने अगर पेपर में पढ़ा होगा तो हम लोगों ने अनाउंस किया है, जो ओलंपिक जीत के आएंगे जो प्लेयर उनको 5 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जो ओलंपिक खेलेंगे उनको पैसा हमने इतना ज़्यादा डिमांड किया है। चलिए, वो थैंक यू।